हलो फ्रेंड्स, दिस इज कृष्णमूर्ति। वेलकम टू माय चैनल डिस्कवर एवरीथिंग। वीडियो नाम ये पी पाकपोन कार्बोरेटर इंग मोटर सैकल फ्यूल इंजक्शन इंग मोटर सैकल वेपड़ा पाकपो मोदी वो कार्बोरेटर मत फ्यूल इंजक्शन सिस्टम यदि यूस आना एर पेट्रोल सर विकिध इंजीन के कल को यूस आगे लोड के एर पेट्रोल कल कल इंजीन को कार्बोरेटर मत फ्यूल इंजक्शन सिस्टम यूस आगे मोदी वो कार्बोरेटर पे पापो कार्बोरेटर पाती मेकानिकल डिवाइस इत पाती एक्सलेटर को एक्सलेटर केबि कनेक्ट आयुक अंत कमी वो कार्बोरेटर पेरल वो मेल नोक इेरल मेल नोक इोदे अंत इंजीन एर अल्व अधिक एंव एर पोदो अंदुकेटर वो अर वो पेट्रोल वो मिक्स पड़ी इंजीन को अब एपी पाती पाती ना एर वो इंजीन कोरपोद अंदर वो पेट्रोल मिक्स पड़ी अपीन इतना कार्बोरेटर एर वो इतना वो लो प्रेशर वो क्रियेट आगे इत लो प्रेशर कार्बोरेटरों टैंक पेट्रोल वो मेल नोकी उरीजपे अरों मिक्स पड़ी इंजीन को अपीता पता कार्बोरेटर वो वे कार्बोरेटर पी डीटेल वीडियो वो ना आलरे पटर इन पाकलना अंत वीडियो पांग ईसिया अंडरस्टैंड आगे। नेक्स्ट पाती फ्यूल इंजक्शन सिस्टम फ्यूल इंजक्शन सिस्टम पाती इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल वर्क आमन पाती फ्यूल इंजेक्टर इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल यूनिट अब पाती फ्यूल इंजक्शन पंप अदर नया सेन्सार इनटेक पोर्टल पाती एयर प्रेशर सेंसर एयर टेम्परेचर सेंसर अपन थ्रॉटल पोजीशन सेंसर इंजन पाती इंजन टेम्परेचर सेंसर अदर क्रैंक पोजीशन सेंसर इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल यूनिट पाती इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल यूनिट इंजीनो ओवर लोडुक्कु एरुम पेट्रोल कलंद कलव अनुप्पणुम्नु इत आलरे वो स्टोर पड़ी वजह इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल यूनिट ओके इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल यूनिट पड़ोना वेव इंजीनो वेवे सेन्सार इनपुट सिग्नल अदारी इंजीन एर वो पेट्रोल वो मिक्स पड़ी अूल इंजेक्टर मूलम पेट्रोल वो मिक्स पड़ी अभी पाती फ्यूल इंजक्शन सिस्टम वर्क आगे। नेक्स्ट पाती इलेक्ट्रॉनिक फ्यूल इंजक्शन सिस्टम यूस आगे फ्यूल इंजेक्टर पे पापम इत फ्यूल इंजेक्टर वह पाती इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल वर्क आगे पाती सोलेनॉइड वाल्व सोलेनॉइड वाल्व को पाती इनपुट सिग्नल वो इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल यूनिटल वो अदमारी पाती फ्यूल इंजक्शन पंपल हाई प्रेशर फ्यूल वो फ्यूल इंजेक्टर वो ओके फ्यूल इंजेक्टर नासिल वाले वो प्लंजर वो तुत नीतीटर ओके सोलेनॉइड वाल्व वह करंट अलव पर मैग्नेटिक फील्ड उम्मीद मैग्नेटिक फील्ड इत प्लंजर वो मेल नोक इंदु करंट वर्द अंदर मैग्नेटिक फील्ड उदारी प्लंजर वो मेल नोक नगर अब वो हाई प्रेशर फ्यूल वो नासिल वलिया चिन्न चिन्न तुगला स्प्रे पन्नी इंजिन काटोड़ कल इंजिन इप्डा वो फ्यूल इंजेक्टर वो वर्क आगे अभी वर्क आगे पापम पाती सिक्नल वो इत वो ब्लू कलर मारे रेडल ब्लू कलर मारे अब वो प्लंजर मेल नोक नगर अगर हई प्रेशर फ्यूल वो वलिया वो नासिल वलिया इंजिन इंजिन काटोड़ कल इंजिन इप्डा वो फ्यूल इंजेक्टर वो वर्क आगे। नेक्स्ट पाती कार्बोरेटर फ्यूल इंजेक्टर कंपेरिशन पापम इोड आप्रेटिंग मेतड पाती कार्बोरेटर वो मेकानिकल मेतड वर्क आगे फ्यूल इंजक्शन सिस्टम वो इलेक्ट्रॉनिक मेतड वर्क आगे एयर फ्यूल रेसियो कंट्रोल पड़े पाती कार्बोरेटर वो अक्यूरेसी कमियादा फ्यूल इंजक्शन सिस्टम अक्यूरेसी अधिकम इत वो इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल यूनिटा कंट्रोल पड़ा वो अक्यूरेसी अधिक उंगोट इंजिन लोडु के करेक्टान अल्व एयर फ्यूल रेसियो वो फ्यूल इंजक्शन पंप सिस्टम वो आना कार्बोरेटर वो इत मेकानिकल डिवाइस अक्यूरेसी वो रोम कमिया। नेक्स्ट पाती पवर आउटपुट पाती कार्बोरेटर इंजीनो फ्यूल इंजक्शन इंजीन वो अधिक सेम कैपासीटी इंजीन अदमारी मैलजूम पाती कार्बोरेटर फ्यूल इंजक्शन सिस्टम अधिकम वो करेक्टा फ्यूले वस्ट पड़ा करेक्टान अल्व इंजिन को मैलज कमारी पाती एमिशन पोल्यूशन पाती फ्यूल इंजक्शन सिस्टम कमिया कार्बोरेटर वो अधिकम
அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா கோல்டு ஸ்டார்ட், குளிர்காலத்தில் நீங்கள் இன்ஜினை ஸ்டார்ட் பண்ணுறது வந்து ஃபியூல் இன்ஜெக்ஷன் சிஸ்டத்தில் வந்து ஈஸியாக ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம். கார்பரேட்டரில் வந்து உங்களுக்கு ஸ்டார்ட் ஆகிறது கொஞ்சம் டைம் எடுத்துங்க. ஏன் இதில் ஈஸியாக ஸ்டார்ட் பண்ணலான்னா, உங்களுக்கு என்ஜின் டெம்பரேச்சர் சென்சார்லேருந்து அந்த சென்சாரை வந்து சென்ஸ் பண்ணி ஈஸியாக அனுப்பிடும் என்ஜின் எந்த டெம்பரேச்சரில் இருக்குன்னு. உடனே அதுக்கு தகுந்த மாரி ஏர் ஃபியூல் ரேஷியோ வந்து என்ஜினுக்கு அனுப்பும். அதனால் நீங்கள் வந்து ஃபியூல் இன்ஜெக்ஷன் சிஸ்டத்தில் வந்து ஈஸியாக ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம். ஆக்சிலரேஷன், நீங்கள் ஆக்சிலரேட் பண்ணுறது வந்து கார்பரேட்டர் பைக்கில் வந்து ஒரு சின்ன டிலே இருக்கும், ஆனால் ஃபியூல் இன்ஜெக்ஷன் சிஸ்டத்தில் அந்த டிலே வந்து கம்மியாக இருக்கும். காஸ்ட் வைஸ் பார்த்தீங்கன்னா விலை, இப்போ விலை தான் இதில் முக்கிய பங்கு ஆட்டுறது. விலையை பார்த்தீங்கன்னா கார்பரேட்டர் வந்து ரொம்ப சீப், இல்லை ஃபியூல் இன்ஜெக்ஷன் சிஸ்டத்தை கம்பேர் பண்ணும்போது கார்பரேட்டர் வந்து உங்களுக்கு ரொம்ப சீப்பாக இருக்கும். அதேமாதிரி பார்த்தீங்கன்னா ரிப்பேர் பண்ணுற காஸ்ட், கார்பரேட்டர் வந்து நீங்கள் குறைந்த விலையில் ரிப்பேர் பண்ணிடலாம். ஆனால் ஃபியூல் இன்ஜெக்ஷன் சிஸ்டத்தை ரிப்பேர் ஆயிடுச்சுன்னா அதை சரி செய்கிறதுக்கு வந்து உங்களுக்கு அதிக அளவு பணம் தேவைப்படும். சர்வீஸ் பண்ணுறது, அதேமாரி நீங்கள் கார்பரேட்டரை வந்து எங்கே வேணுமாலும் எந்த லோக்கல் மெக்கானிக்கிட்ட கொடுத்தாலும் சரி பண்ணி கொடுத்துருவாங்க. ஆனால் ஃபியூல் இன்ஜெக்ஷன் சிஸ்டத்தை வந்து நீங்கள் ஷோரூமில் மட்டும் கொடுத்து தான் சர்வீஸ் பண்ண முடியும். ஏன்னா அந்த ஃபியூல் இன்ஜெக்ஷன் சிஸ்டத்தை சர்வீஸ் பண்ணுறதுக்கு உங்களுக்கு வந்து கம்ப்யூட்டர் தேவைப்படும். அந்த ஃபியூல் இன்ஜெக்ஷன் சிஸ்டத்தில் எந்த இடத்துல ஃபால்ட் ஆகிருக்குன்னு கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு அதுக்குண்டான சாஃப்ட்வேர், கம்ப்யூட்டர் இதெல்லாம் தேவைப்படும். அதனால் வந்து ஃபியூல் இன்ஜெக்ஷன் சிஸ்டத்தை வந்து நீங்கள் லோக்கல் மெக்கானிக்கிட்ட ஈஸியாக சரி பண்ண முடியாது. இதுதான் பார்த்தீங்கன்னா இந்த கார்பரேட்டருக்கும் ஃபியூல் இன்ஜெக்ஷன் சிஸ்டத்துக்கும் உள்ள கம்பேரிசன். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்தியாவில் வந்து எல்லா வர பைக்கெலாம் எல்லாருமே வந்து ஃபியூல் இன்ஜெக்ஷன் சிஸ்டத்தை வந்து அப்கிரேட் பண்ணிகிட்ருக்காங்க. ஏன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த எமிஷன் நார்ம்ஸ்லாம் வந்து ரொம்ப ஸ்ட்ரிக்டாக ஆகிட்டு இருக்கிறதுனால ஃபியூல் இன்ஜெக்ஷன் சிஸ்டத்தை வந்து எல்லா பைக் கம்பெனியும் அடாப்ட் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க. கூடிய சீக்கிரம் பார்த்தீங்கன்னா 2020 அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா மேக்ஸிமம் வர எல்லா பைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா ஃபியூல் இன்ஜெக்ஷன் சிஸ்டத்தோட வர வாய்ப்பு இருக்குது. ஓகே, இந்த வீடியோ வந்து உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா இந்த வீடியோக்கு ஒரு லைக் பண்ணுங்கள், என் சேனலில் இன்னும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். அப்படியே பக்கத்தில் இருக்க பெல் பட்டன் அழுத்தி வச்சுக்கோங்க, அப்போ தான் என் சேனலில் இந்த வீடியோ வர அப்டேட் வந்து உங்களுக்கு உடனடியாக கிடைக்கும். அப்படியே உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள். ஏதாவது குறைகள் இருந்தால் கமெண்ட் செக்ஷனில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.